नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे साई वास्तु रेमेडी चैनल में। और आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र में जो हॉर्स है यानी हॉर्स के जो पोस्टर्स है वो हम किन डायरेक्शंस में रख सकते हैं, और जब हम कुछ नए हॉर्स पोस्टर परचेज करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, वास्तु में जो हॉर्सेज है ये आपको शक्ति और एक ऊर्जा यानी एक एनर्जी प्रदान करता है। तो आप इस हॉर्स पोस्टर को जिस डायरेक्शन में रखते हैं उस डायरेक्शन की जो एनर्जी और जो बेनिफिट है आपके जीवन में जो आपको मिल रहे हैं उनमें एक एनर्जी प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा, यानी क्लाइंट फुटफॉल है, जो बिजनेस है, जो पैसा है वो सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब आप कोई हॉर्स पोस्टर परचेज करते हैं तब वो डायरेक्टली आपको फेस नहीं होना चाहिए, यानी जो हॉर्सेस जब भाग रहे हैं वो डायरेक्टली अगर आपको फेस करे तो प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर वो साइडवेज फेस करे, जैसे इस टाइप का पोस्टर आता है, साइडवेज फेस करने से ये ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट बात जो आपको हॉर्स जीतते समय याद रखना है कि हॉर्स जो है वो भागते हुए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, यानी अगर वो हॉर्स कहाँ पे रुक गया है या फिर रेस्ट कर रहा है तो वो आपके जीवन में जो आपको अवसर है, जो पैसा है, जो हेल्थ है ये सब रुक जाएंगे, यानी आपको मिल नहीं पाएगा और प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो जब भी आप हॉर्स पोस्टर परचेज करते हैं वो सिर्फ भागते हुए ही हॉर्स पोस्टर आपको परचेज करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है कि जब आप कोई हॉर्स पोस्टर परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद आप उसको जहाँ पे प्लेस करेंगे वो घर के अंदर की तरफ दौड़ते हुए ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, यानी जब आप उस हॉर्स पोस्टर को अपने घर के वॉल पे लगाएंगे तब उसका जो फेस है वो घर के अंदर की तरफ हो, ना कि घर के बाहर यानी मेन डोर की तरफ, वरना जो एनर्जी से जो ऊर्जा है वो सब घर के बाहर चले जाएंगे अगर हॉर्स का फेस बाहर की तरफ हो तो। और अंदर की तरफ हॉर्स का फेस होने से भागते समय तब जितने भी नए नए अवसर है, जो वेल्थ है, जो खुशियां है, वो सब आपके घर में एंटर होना शुरू हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि कौन से डायरेक्शंस में आप हॉर्स पोस्टर रख सकते हैं और किस टाइप का पोस्टर आप रख सकते हैं। सबसे पहला है ईस्ट डायरेक्शन का हॉर्स पोस्टर। ये हॉर्स का पोस्टर में बेसिकली ऑरेंज हॉर्स दिया गया है क्योंकि ऑरेंज कलर सन प्लैनेट यानी सूर्य को डिनोट करता है। बैकग्राउंड ग्रीन शेड्स दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एयर एलिमेंट है। और एक हॉर्स दिया गया है क्योंकि आप जो एस्ट्रोलॉजी नंबर है वो 1। तो ये तीन के कॉम्बिनेशन से हॉर्स पोस्टर बनाया गया है। और ये जब आप अपने ईस्ट वॉल पे लगाते हैं घर के अंदर की तरफ फेस किया हुआ, तब जो ईस्ट के एनर्जीज है जैसे सोशल कनेक्शंस है, समाज में नाम है, छवि है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, और जो आपके अंदर के एक अट्रैक्शन है यानी ऑरा अट्रैक्शन है, जो आपके घर में खुशियां है, जो आपके डिसीजंस है, ये सब ईस्ट डायरेक्शन यानी एयर एलिमेंट के बेनिफिट्स माने जाते हैं। ये सब स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो हॉर्स है वो स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों को डिनोट करता है। ईस्ट के बाद आ जाता है नेक्स्ट डायरेक्शन, वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह का हॉर्स पोस्टर लगाया जाता है जिसमें 6 हॉर्सेस दिए गए क्योंकि 6 नंबर साउथ ईस्ट को सपोर्ट करता है। हॉर्स जो है व्हाइट कलर दिए गए हैं क्योंकि व्हाइट वीनस यानी शुक्र को डिनोट करता है। और बैकग्राउंड में रेड दिया गया है क्योंकि रेड फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये हॉर्स पोस्टर साउथ ईस्ट में लगाने से वहां की जो ऊर्जा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपके घर में जो कैश फ्लो है, जो टर्नओवर है, जो पैसा यानी वेल्थ है, एक ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट आता है वो साउथ डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट, इसी कारण जो हॉर्स है वो रेड कलर दिए गए हैं। 9 हॉर्सेस दिए गए हैं। बैकग्राउंड हल्का सा पिंक शेड दिया गया है क्योंकि पिंक मतलब साउथ ईस्ट से फायर फ्लो होकर साउथ की तरफ ट्रेवल होता है। तो इस टाइप का हॉर्स पोस्टर साउथ में रखने से आपके जो नेम फेम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा आलसी है यानी लेजी है, वो लेजीनेस हटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी अर्थ एलिमेंट। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अर्थ एलिमेंट यानी साउथ वेस्ट आपको फाइनेंस और रिलेशनशिप दोनों को डिनोट करता है। तो इसी कारण इसमें जो हॉर्स वो 4 हॉर्सेस दिए गए हैं। हॉर्सेस येलो शेड्स दिए गए क्योंकि येलो कलर अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। बैकग्राउंड पिंक शेड दिया गया है क्योंकि जो रोज स्क्वाड्स है, जो पिंकी शेड्स है, वो आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करते हैं, यानी जो बॉन्ड है रिलेशनशिप का उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और इस टाइप का हॉर्स पोस्टर साउथ वेस्ट में रखने से जो साउथ वेस्ट यानी नृत्य कौन का जो एनर्जीज है वो सारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी साउथ वेस्ट के जो क्वालिटीज और जो बेनिफिट्स है वो आपके लाइफ में मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है वेस्ट डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में अगर आप हॉर्स पोस्टर लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा, यानी 8 हॉर्सेस है क्योंकि 8 नंबर वेस्ट को सपोर्ट करता है। हॉर्सेस जो है वो डार्क ब्लू शेड्स के दिए गए क्योंकि डार्क ब्लू शेड्स शनि यानी सैटर्न प्लैनेट को डिनोट करता है। बैकग्राउंड व्हाइट शेड दिया गया क्योंकि स्पेस एलिमेंट है। इन तीन के कॉम्बिनेशन से जो स्पेस एलिमेंट है और जो शनि देवता है यानी सैटर्न प्लैनेट है, इनके जो बेनिफिट्स है जैसे आपकी विश फुलफिल होना, आपका जो लर्निंग स्किल्स है, कैपेसिटीज है, स्किल्स और टैलेंट्स है, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड में कुछ इश्यूज आ रहे हैं यानी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे, परचेज नहीं कर पा रहे,
तब इस टाइप का हॉर्स पोस्टर वेस्ट में रखने से बाकी जो एनर्जीज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी उनमें एक शक्ति मिलना शुरू हो जाता है। वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ वेस्ट हॉर्स पोस्टर। नॉर्थ वेस्ट हॉर्स पोस्टर कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें दो हॉर्सेस दिए गए, दो हॉर्सेस क्योंकि दो नंबर टू नंबर नॉर्थ वेस्ट को सपोर्ट करता है। हॉर्सेस जो है व्हाइट शेड दिए गए हैं क्योंकि मून को रिप्रेजेंट करता है। बैकग्राउंड येलो दिया गया है क्योंकि वैदिक वास्तु में नॉर्थ वेस्ट में भी अर्थ एलिमेंट मौजूद है। तो इन तीन के कॉम्बिनेशन से जो चंद्र और जो स्पेस एलिमेंट के बेनिफिट्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी जो इमोशंस है वो आप स्टोर कर पाते हैं, जो आपका माइंड है वो शांत रह पाता है। किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा। किसी का मनी कहाँ पे ब्लॉक हो गया यानी रुक गया है, तब आप ये हॉर्स पोस्टर वहां पे रख सकते ताकि जो आपका पैसा रुक गया है वो रिलीज हो जाए। और जो नॉर्थ वेस्ट के बेनिफिट्स है ये आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन हॉर्स पोस्टर। इसमें फाइव हॉर्सेस दिए गए क्योंकि फाइव नंबर एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ को सपोर्ट करता है। ग्रीन कलर हॉर्स बेसिकली बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लैनेट को डिनोट करता है। बैकग्राउंड जो है व्हाइट शेड है क्योंकि वाटर एलिमेंट को स्पेस एलिमेंट बूस्ट करता है। इन तीन के कॉम्बिनेशन से जो नॉर्थ बुध ग्रह और वाटर एलिमेंट के जो एनर्जी से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो क्लाइंट फुटफॉल है वो बढ़ जाते हैं। जॉब पीपल को प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है, यानी जो अवसर है प्रमोशंस के वो उनको कैच होना शुरू हो जाता है। जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। और जो उनके प्रोडक्ट्स में जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के दम पे वो दूसरे क्लाइंट्स को खींच पाते हैं अपने। और इसी के साथ जो अन्य नॉर्थ डायरेक्शन के बेनिफिट्स है जो हमारे लाइफ में हमें अचीव होने, वो उन सब में एक फुर्ती आना शुरू हो जाता है, यानी एक स्पीड आना शुरू हो जाता है। जो लास्ट है डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ईशान कोण में आप थ्री हॉर्सेस, येलो कलर क्योंकि वहां पे जुपिटर यानी गुरु ग्रह है, बैकग्राउंड में ब्लू शेड्स क्योंकि वाटर एलिमेंट है। ये वहां लगाने से आपके जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के जो आइडियाज है वो बूस्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जो एजुकेशन में एजुकेशन फील्ड में जो स्टूडेंट्स किताबों को याद नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो वहां पे ये हॉर्स पोस्टर रखने से हेल्थ में जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और इसी के साथ जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के बेनिफिट्स है वो भी उनमें एक फुर्ती आना शुरू हो जाता है। ये हो गया है डायरेक्शन वाइज। अब आ गए हैं ओवरऑल, यानी सबसे पहला ये जो हॉर्स पोस्टर ये आप सदर्न साइड में रख सकते हैं और ईस्ट साइड में रख सकते हैं, यानी साउथ के दीवार पे और ईस्ट के दीवार में। इन दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ये लगाते समय इनके जो फेस है वो हर टाइम घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि घर के मेन डोर यानी घर के बाहर की तरफ, वरना जो ऊर्जा है वो बाहर चले जाएंगे। अंदर की तरफ होने से जो आपका फेम पावर है यानी जो नाम और सम्मान है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो पावर्स है, जो खूबियां है, वो सब निखरने शुरू हो जाते हैं। और इसको उन डायरेक्शंस में रखने से उन डायरेक्शन के जो एनर्जीज है, जो बेनिफिट्स हमारे लाइफ वो सब हमें पूरा मिलना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट हॉर्स पोस्टर है वो है वेस्टर्न साइड में और नॉर्दर्न साइड में। आप इस टाइप का पोस्टर लगा सकते हैं। पोस्टर जब भी आप लगाते हैं उनमें कलर शेड्स देखना जरूरी माना गया, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ब्लू शेड्स और व्हाइट शेड्स ज्यादा दिखेंगे, तो ये स्पेस और वाटर दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप इसको वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड में रख सकते हैं ताकि बाकी जो एनर्जीज है उनमें एक स्पीड आना यानी उनके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाए। और अगर आपको ये हॉर्स पोस्टर परचेज करने हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। और कंसल्टेशन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वास्तु के वो सारे हमारे शोरूम में मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु शास्त्र सीखना है यानी जो वास्तु है उसके जो स्ट्रक्चर और जो साइंस है उसके बिहाइंड वो कैसे काम करता है, कैसे हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए जैसे मेन डोर, टॉयलेट, किचन, बेडरूम, या फिर कुछ गलत कलर्स, गलत मेटल्स, गलत ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी गलत स्ट्रक्चर रख दिया है जिसके कारण वहां पे नकारात्मक एनर्जीज यानी नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं, तब कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल होने के बाद और कैसे हम एक वास्तु प्रोडक्ट रख के वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज को बिल्ड कर सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यह हमारे वास्तु क्लासेस में सिखाया जाता है अलॉन्ग विद 350 प्लस रेमेडीज। इन एडिशन जो 45 देवताज है उनके बारे में भी डिटेल बताया गया है, यानी उन देवताओं को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उनके बेनिफिट्स हम अचीव कर सकते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बताया जाएगा। और जो कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि वास्तु क्या है, वास्तु कैसे काम करता है, कौन सा फेसिंग प्लॉट हमें परचेज करना चाहिए, एक पूरा घर जो परफेक्ट वास्तु से बनाया गया लेकिन तो भी उनके बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पा रहे, ये जो क्वेश्चंस है इनका जो डीप आंसर्स है और जो साइंटिफिक आंसर्स है ये हमारे क्लासेस में सिखाए जाएंगे। और इसी के साथ जो कॉमन वास्तु प्रोडक्ट्स है जैसे क्रिस्टल बॉल आ गए, पोस्टर्स आ गए हैं, पिरामिड्स आ गए, कैसे हम यूज करके किसी भी जोन में पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करें ये पूरा बताया जाएगा। अगर आपको इस वास्तु क्लासेस में एनरोल होना यानी आप इंटरेस्टेड है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर,
प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स, आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रिशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, सेवन चक्र प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।